ये मंजूषा कला अंग प्रदेश की धरोहर है। यह कला पुरानी नहीं, अति प्राचीन लोक कला है। मेरा नाम मनोज कुमार पंडित है और मैं 1992 यानी 25-26 सालों से मैं मंजूषा कला पे काम कर रहा हूँ। मंजूषा की खासियत ये है कि यह संपूर्ण कथा चित्र है और मेरा मानना है कि एशिया की यह पहली लोक कला होगी जो संपूर्ण कथा चित्र होगी। और इसकी एक खासियत है कि संपूर्ण कथा चित्र एक स्टोरी यहाँ की लोक पर्व बिहुला बिसरी पर आधारित ये पूरी कथा चित्र है। इसकी खासियत है कि इसमें मात्र 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, हरा, गुलाबी और पीला। विद्वानों के अनुसार यह प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इसमें हरे रंगों से जितनी भी रेखा चित्र होती है हरे रंगों से तैयार किया जाता है, तत्पश्चात उसमें पीले और गुलाबी रंगों का प्रयोग कलाकार करते हैं। सबसे पुराना इसमें मोटिव्स डिज़ाइन ये है कि जब चंद्रधर सौदागर माँ मनसा का पूजा किए तो उस समय अपने आप को समर्पित कर दिए, तो वो जब ऐसा चित्रण करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके, जो हमारा लोक परंपरा संस्कृति है, और वो समर्पण करते हैं। उसके बाद यहाँ की चंपा एक प्रतीक चिन्ह के रूप में एक डिज़ाइन डेवलप हुआ और लोग उसमें बनाने लगे। इस कहानी में सांप यानी कि बाला लखेंद्र की जब मृत्यु हुई थी वो नागदंश से हुई थी, इसलिए उसमें मुख्य पात्र सांप है और सांप को भी हम उस मंजूषा में बनाते हैं। पहले तो सिर्फ लोग पूजा पाठ के लिए लोग बनाते थे, फिर हमें लगा कि इस कला को जीवित रखने के लिए मेरे बाद भी होना चाहिए और अधिक संख्या में लोग होना चाहिए, तो कला को जिंदा रखने के लिए कलाकारों को जिंदा रखना अति आवश्यक है। तब मैंने इस कला के डिज़ाइन को लेकर एक नया घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों पर उकेरना शुरू किया। सभी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए खरीदना शुरू किया और जब से साड़ियों में, सलवार सूटों में मंजूषा का डिज़ाइन होना शुरू हुआ, तब तो लोग इसको खरीदने लगे और जो जो बनाते थे धीरे धीरे रोजगार मिलने लगा, तो यह निरंतर बनता चला गया। मंजूषा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे परमानेंट स्कूलिंग की आवश्यकता है जो कि हमेशा चलता रहे। दूसरा, बाहर से लोग आते हैं और मंजूषा को ढूंढते हैं तो बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, तो उसके लिए एक यहाँ पे मंजूषा आर्ट गैलरी बनाई जाए। हम मंजूषा को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखना चाहते हैं और वो मजबूती से उसको वहाँ पर एक पहचान दिलाना चाहते हैं और हजारों हजार लोगों को मंजूषा कला के माध्यम से रोज़गार देना चाहते हैं। ये मेरा सोच है, ये मेरा सपना है, मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है।